मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम और पैलर्थ। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली ब्लॉग्स। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 7:45 बजे से। आजकल तो मैं सुबह जल्दी उठ जा रही हूँ, करीब 6:30 बजे मैं उठ गई थी। और अभी फटाफट से मैंने सब्जी उब्जी काट दी है और सब्जी भी मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है, भिंडी की सब्जी चढ़ाई है। एक्चुअली आज से हस्बैंड लंच लेके जा रहे हैं ना ऑफिस को, तो उनको बाहर का तो मना किया डॉक्टर ने, तो इस वजह से वो बोल रहे थे कि मिलने आज से लंच रख देना। तो बस वही मैंने भिंडी की सब्जी अभी चढ़ा दी है। अभी आटा भी निकाल के रखा है मैंने, आटा गूंथूंगी और उसके नौमी भी भिंडी की सब्जी खा लेगा और उसके साथ उसके लिए पराठा बना दूँगी। और हस्बैंड तो रोटी खाएंगे, उनको पराठा वराठा हम सब मना किया है। तो बस अभी सब्जी बना रही हूँ मैंने। और मैंने आज सब्जी ना मैंने ऐसे लंबे लंबे में काट दिए। तो चलिए अभी फटाफट से मैं आटा गूंथ लेती हूँ, उसके बाद मुझे रोटियाँ भी बनानी है और मुझे नौमी को भी नहलाना है। उसको मैं कब से बोल रही हूँ, उसने सुबह ब्रश वगैरह तो कर लिया है, अभी वो खेल रहा है। जब तक वो खेलता है मैं आटा गूंथ लेती हूँ, फिर उसके बाद उसे नहलाने भी ले जाऊँगी। तो चलिए फटाफट से आटा गूंथ लेते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी बज गए हैं सुबह के 10:30 और नौमी भी स्कूल चला गया था 9 बजे, और अभी थोड़ी देर पहले नौमी के पापा भी चले गए ऑफिस को। और आज ना मैंने उन्हें लंच बना के दिया क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अब बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, और दिन वो हमेशा लंच बाहर ही करते थे, ऑफिस में कर लेते थे, तो अब उनको बिल्कुल मना कर दिया डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो बहुत कम ऑयल वाला खाना उन्हें खाना है, तो मैंने तो वो बोल रहे थे कि आज से मेरे लिए लंच घर से ही पैक कर देना। फटाफट से मैंने सुबह जल्दी लंच बना दिया था तो उनको पैक करके दे दिया, और ब्रेकफास्ट भी उनका पैक करके दिया मैंने क्योंकि वो बोल रहे थे कि मुझे मंदिर जाना है। और आज उन्होंने फास्ट भी नहीं रखा क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, को मतलब फीवर सा हो रहा था, उनको बॉडी बहुत पेन कर रही है बोल रहे थे, तो वीकनेस हो रही है। तो अभी आज तो फास्ट नहीं रखा उन्होंने, नेक्स्ट टाइम रख लेंगे। और मम्मी भी अभी उनके साथ ही गए हैं डॉक्टर के पास, बोल रहे थे कि रिपोर्ट दिखानी है ना मम्मी को, कल वो हमारे साथ नहीं आए थे तो मम्मी रिपोर्ट दिखा के आएंगे, हस्बैंड जाते समय उनको डॉक्टर के पास छोड़ देंगे, तो मम्मी रिपोर्ट दिखा के आ जाएंगे। और लंच वगैरह तो आज उतना कुछ बनाना नहीं है क्योंकि मैंने सुबह ही सब्ज़ी बना ली थी और रोटी भी बना ली है हम लोगों के लिए। अभी नौमी के लिए ही बनाना है बस मुझे, और नौमी के लिए तो मैं सोच रही हूँ कि आज कढ़ी बना दूँ क्योंकि उसे कढ़ी पसंद है ना, तो वो कढ़ी और चावल खा लेगा। मैं हमारे लिए तो मैंने सब्ज़ी बनाई है और रोटी भी बना दिया। तो बस अभी बाकी मेरे और सारे काम हो गए हैं। अभी हाउस हेल्पर नहीं आई है, पता नहीं क्यों आज लेट हो गया उसको, तो वो अभी आएगी। सुबह एक बार आ गई थी, बर्तन वगैरह कर गई है, पर सुबह आज 8:00 बजे आ गई थी वो बर्तन करने के लिए, तो सुबह के बर्तन कर गई है। अभी सिर्फ झाड़ू पोछा बच्चा है वो आके कर लेगी, बाकी डस्टिंग वगैरह घर क्लीन मैंने सारा कर लिया, सारे रूम मैंने क्लीन कर लिए हैं। आज मुझे टाइम है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा TV देख लूँ, तो अभी थोड़ी देर TV देखूँगी और फिर उसके बाद 1 घंटे बाद मैं नौमी के लिए लंच भी बना दूँगी। तो चलिए आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो लंच आने के करीब 1 घंटे बाद नौमी भी स्कूल से आ गया था, तो मैंने फटाफट से उसे चेंज कराया, हाथ मुंह धुलाया और फिर उसे लंच करा के फिर उसे मैंने सुला दिया था, और अभी वो आराम से सोया है। और वो ना आज मम्मी के रूम में सोया है और उसे आज ज़मीन में सोना था, तो मैंने उसके लिए ज़मीन में मैट बिछा दी है और उसके ऊपर बेडशीट बिछा दी है, तो वो आराम से अभी सोया है। और फिर थोड़ी देर में उसकी नींद खुली तो वो रोते रोते मेरे पास आ गया था, तो फिर मैंने उसे अपने पास सुला लिया था। तो करीब 2 घंटे की नैप हमने ली और इतनी बढ़िया नींद आई। उसके बाद अभी हो गया है शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में अपने और मम्मी के लिए चाय बनाने के लिए। और थोड़ी देर में हस्बैंड भी आ गए थे, उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी तो वो जल्दी आ गए थे, तो मैंने उनको भी चाय बना के दे दी थी। और इसके बाद अभी मैं बना रही हूँ नौमी के लिए दलिया, तो उसको मैं दलिया बना के दूंगी। आजकल ना मैं नौमी को शाम को ही कुछ ना कुछ हैवी सा बना के दे रही हूँ क्योंकि वो रात को ना खाना अच्छे से नहीं खा रहा है,
एक दो दिन से पता नहीं क्यों वो खाना खाते टाइम क्रैंकी सा हो रहा है, बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है। एक दो बाइट खाता है, उसके बाद फिर नहीं खाता है। तो मैं शाम में ही उसको कुछ हैवी सा बना के दे देती हूँ ताकि वो रात में आधी रोटी भी खाए तो तसल्ली रहती है। तो अभी दलिया भी मैंने वॉश कर लिया है और कुकर में घी डाल लिया है, तो दलिये को मैं अच्छे से भून लूँगी। तो करीब एक दो मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसमें एक दो विसल लगा लूंगी। तो इसमें एक दो विसल आने के बाद मैं इसमें थोड़ा दूध ऐड कर रही हूँ और इसे एक मिनट के लिए दूध के साथ भी मैं इसे पकाऊंगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच शुगर। वैसे तो मैं दलिया बनाने में हमेशा जैगरी पाउडर ही डालती हूँ, बट अब गर्मियाँ आ गई है ना, तो इस वजह से मैं इसमें शुगर ही ऐड कर रही हूँ अभी। और इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है बच्चों के दलिया में डालने के लिए, तो वो है ड्राई फ्रूट पाउडर। तो जब भी मैं नौमी के लिए दलिया या ओट्स बनाती हूँ हमेशा उसमें ड्राई फ्रूट पाउडर ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि वैसे तो बच्चे कभी भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो इस तरह से उनके लिए ड्राई फ्रूट का पाउडर बना दो ना तो वो इजीली खा भी लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। तो मैं नौमी के लिए हमेशा इसी तरह से ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के रखती हूँ ताकि वो इसे इजीली खा ले और उसे पता भी ना चले। इसके बाद एक बोल में मैंने नौमी के लिए दलिया निकाल दिया है और थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाएगा, फिर मैं उसे खिला दूंगी। इस बीच में अपनी चाय पीना भी भूल गई थी, तो फिर मैंने दोबारा से अपनी चाय गर्म की और फिर मैं अभी आराम से चाय पी रही हूँ बैठ के। और चाय पीने के बाद मैं नौमी को सीधे गार्डन लेके आ गई थी और आज हम जल्दी आ गए थे, थोड़ा उजाला ही था और यहाँ पे को नौमी के फ्रेंड्स भी मिल गए थे नौमी को और नौमी उनके साथ खेल रहा था, तो उतने देर में मैंने वॉक भी कर ली थी। हेलो श्लोक, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी बज गए हैं शाम के 7:30 और थोड़ी देर पहले नौमी और मैं गार्डन से आ गए थे और नौमी ने 1-1.5 घंटा वहाँ पे खूब सारा खेला अपने फ्रेंड्स के साथ और आज तो हम जल्दी चले गए थे गार्डन और उसके बाद नौमी खेल रहा था ना, तो उतने देर में मैंने वॉक भी कर ली थी, तो 1-1.5 घंटा मैंने भी वॉक करी और नौमी ने भी खूब इंजॉय किया। पर नौमी ना थोड़ा गिर भी गया था वहाँ पर और नौमी को यहाँ पर चोट आ गई, तो आपको पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, पर नौमी को यहाँ पे बहुत जोर की लगी है और नौमी के हाथ में भी लगी ना बेटा। हाँ, नौमी की यहाँ ये वाले हैंड में भी लगी, ये देखिए यहाँ पे भी लगी, तो ना ये बहुत दौड़ रहा था वहाँ पे, रोड में दौड़ गया था ये, तो रोड से इसको लग गई। और मैं डिनर वगैरह सब बना के गई थी, तो अभी सिर्फ मुझे रोटियाँ बनानी है और इस व्लॉग को आप यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को आज का ये व्लॉग हमेशा की तरह पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।